मैं आप और आपके साथ मैं रश्क गौरी। अंबिकापुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक शुरू हो गई। खेल साय और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंबिकापुर सर्किट हाउस में 600 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का भी वितरण करेंगे। तो सीएम भूपेश आज से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। ग्रामीणों संघ चौपाल भी लगाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। 400 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा और बिलासपुर के दौरे पर है। ग्रामीण संघ चौपाल भी लगाएंगे। राम कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राम कुमार, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बता दूं, आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ सरगुजा अंबिकापुर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने सर्किट हाउस पहुंच करके लगभग 400 हितग्राहियों को वन अधिकार का पट्टा दिया, जिससे कि लोगों में काफी खुशी और काफी हर्ष का माहौल है। जिनमें से 130 करीब जो थे ST/ST के जो थे हितग्राही थे, उनको भी वन अधिकार का पट्टा मिला, जिससे काफी खुशी की लहर जो है लोगों में दौड़ती हुई देखने को मिली। और अभी जो बता दूं, जो बैठक चल रही है सरगुजा प्राधिकरण की बैठक चल रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख की जो है स्वीकृति दी गई है राशि की कार्यों के लिए। शुक्रिया जानकारी के लिए। शुक्रिया जानकारी के लिए।